ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 1/8/12 और आज अगस्त मास की पहली तारीख है। तो कल फिर क्या है? कल फिर बहुत ही बड़ा पावन त्योहार, जिसको मीठे मीठे बाप दादा भी कहते हैं कि सबसे बड़ा मुख्य त्योहार संगम युग पर रक्षाबंधन का त्योहार है। तो इसीलिए मीठे मीठे बाप दादा ने आज भी रक्षाबंधन को याद किया है। तो हम सभी मीठे मीठे बच्चों को पावन बनाने वाले और पवित्रता की रक्षा बांधने वाले और हम बच्चों की पवित्रता से रक्षा करने वाले और देही अभिमानी बनाने वाले पतित पावन विदेही शिव बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ और अब मुझे क्या करना है? पवित्र बन करके अपने घर जाना है। प्रश्न है आज का, सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है और क्यों? उत्तर है, सबसे मुख्य त्योहार है रक्षाबंधन। क्योंकि बाप जब पवित्रता की राखी बांधते हैं तो भारत स्वर्ग बन जाता है। रक्षाबंधन पर तुम बच्चे सबको समझा सकते हो कि ये त्योहार मनाना कब से शुरू हुआ और क्यों। सतयुग में इस बंधन की दरकार नहीं, लेकिन वह कह देते हैं कि ये रक्षाबंधन तो परंपरा से चलता आया है। गीत बजा है, जय जय हे जगदम्बे माता, द्वार तिहारे जो भी आता कभी खाली हाथ न जाता। धारणा के लिए मुख्य सार है, अथॉरिटी के साथ साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी है। अथॉरिटी माना किसी भी विशेष गुण या किसी भी विशेष पद के ऊपर या किसी भी विशेष टाइटल को प्राप्त ऐसी अथॉरिटी जो होती है उसके साथ बाबा कहते हैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ पेश आना है, बड़े रिस्पेक्ट के साथ उनसे हमें बात करनी है। सबको पतित से पावन बनाने की युक्ति बतानी है। नंबर 2 है, एक अव्यभिचारी याद में रहना है, अर्थात एक बाबा को ही याद करना, उसको कहते हैं अव्यभिचारी याद। परंतु एक भगवान को छोड़कर यदि हम दूसरे तीसरे या अन्य को याद करते हैं तो वो हो जाती है व्यभिचारी याद। तो एक अव्यभिचारी याद में रहना है, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। पावन बनने की ही प्रतिज्ञा बाप से करनी है। वरदान है आज का, पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती हैं तो वो महान आत्मा कहलाती है। क्योंकि पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य बनाती है और ब्राह्मणों की पवित्रता का ही गायन है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से ही कराएंगे। वैसे तो नामधारी ब्राह्मण बहुत हैं, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली विशेष आत्माएं हो। साधारण कर्म भी बाप की याद में रहकर करते हो तो वो कर्म विशेष हो जाता है।
इसलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम वा विशेष आत्माएं हो। तो बाबा ने हमें हमारी कीमत समझाई कि हम कितनी महान आत्माएं हैं। स्लोगन है आज का, स्वयं द्वारा, स्व के द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। अतः हमें सर्व को सुख देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।